राम राम दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिंकी फार्मर ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये है हमारी उत्तराखंड की भाबर सत्रह की एक गांव। इधर ये मेरी सब्जी की बगीचा, ये है मेरी पुदीना की खेती। इसमें पुदीना थोड़ी सी लगा तो बहुत सारे फैल गई है। इसी में लगा रखी है ग्रीन टी का पेड़, इधर भी हो रखी है। ये है पहाड़ी बेतू, इसके पेड़ बहुत बड़े होते हैं, ये देख सकते हो। उसके पत्ते जितना तोड़ो उतना ज़्यादा हो जाती है। ये हमारी तेज़ पत्ता के पेड़, सर्दियों में बहुत अच्छा काम आते हैं इसके। और आपको दिखाती हूँ, ये है उत्तराखंड के नींबू, बहुत बड़े बड़े होते हैं। खेत के चारों तरफ नींबू ही फैल रखी है। और आपको दूसरा दिखाती हूँ, ये है हमारी मेरी मायके के असम के नींबू, असामीस नींबू, जो असम के फेमस नींबू है, ये काजी नींबू। ये है काजी नींबू, बहुत स्वाद आते हैं इसके खाने में। ये है अरबी की पेड़, इसके अरबी बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे इसको पिंडालू बोलते हैं। इधर है हल्दी की खेती, ये देखो हल्दी में फूल आ रखी है। इधर गाय के लिए घास बो रखे हैं। और साइड में ये नींबू के पेड़। ये है हमारी दोस्त कुका, इसका नाम है कुका। देखो छोटे छोटे बच्चे भी निकल गए हैं मुर्गी के। ये है हमारी गौशाला कबरी। ये हमारी गाय है जो हमें रोज दूध पिलाती है। इधर लगा रखी हूँ मैं भुट्टा की खेती। इधर है मेरी करेले की खेती, आपको दिखाते हूँ। ये है होरखे करेला, इसी में होरखे सिसिंडा करेला खीरा तोलूँगी खीरे को। ये है कब्जी का पेड़, छोटी छोटी कब्जी होरखे इसमें, खूब सारे करेला होरखे। अभी छोटे होरखे, बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े होती है। और ये है हमारी गोबर गैस, आजकल गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया तो हम ज़्यादातर गोबर गैस से यूज़ करती हूँ। इसी से खाना वाना बनाती हूँ, इसमें हम गोबर घोलती हूँ तो इससे गैस बनती है। ये सिलेंडर के जैसा होती है, जितना गैस भरती है उतना बढ़ जाता है ये। तो इसकी पाइप फिटिंग कर रखी हूँ हम किचन तक, तो उसी से हम खाना बनाते हैं। ये हमारी गाँव की जीवन, खेती बाड़ी और गाय बच्चे मुर्गी, हाँ इन्हीं के साथ हमारी ज़िंदगी कट जाता है। बस अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना।